अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर हेयर विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, और यूँ कह लीजिए कि एक एक्सटेंडेड वर्जन भी कह लें अपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, एक और फर्दर टॉपिक जो कि आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर एक अहमियत रखता है। क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो एक्सचेंज रेट की बात आती है, और एक्सचेंज रेट में फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट रन। इसकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लॉन्ग रन के ऊपर होगी, लेकिन इस वाली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे डिटर्मिनेशन होती है एक्सचेंज रेट की शॉर्ट रन में। देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया पिछली दफ़ा कि एक्सचेंज रेट बढ़ता है कम होता है, पर बेसिकली जो मेन वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं, और ये भी हमने देखा कि बेसिकली कि अगर जब शुरू में हमने पढ़ा था कुछ पहली की वीडियोज़ में कि डिमांड और सप्लाई जो है वो एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करती है, ये बिल्कुल बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है कि वाकई ऐसा ही होता है। लेकिन उस डिमांड और सप्लाई को फ्लक्चुएट कौन करता है, मतलब ये डिमांड और सप्लाई चेंज होती कैसे, वो डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स विच विल मैनिपुलेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। तो जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, दो किस्म के रन्स होते हैं ना, देखिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एक मीडियम पीरियड के लिए और वन ईयर के लिए कहा जाता है, और उसकी जो डेफिनेशन है वो वेरी करती रहती है। यानी एक दिन को शॉर्ट रन भी कह सकते हैं बिल्कुल, और लॉन्ग रन जो है वो एक साल से ऊपर का अरसा कहा जाता है। तो इसके डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, उसके डिफरेंट हम जो है कहते हैं डेफिनेशंस लेते हैं। तो यहाँ जो शॉर्ट रन से मुराद है वो ये कहते हैं कि जो एक एक, एक कम अरसे के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है जल्दी जल्दी, वो फ्लक्चुएशन किस बेस के ऊपर आती है। तो वो फ्लक्चुएशन बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय एसेट मार्केट अप्रोच। अच्छा, एसेट मार्केट अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें। देखें, जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हैं, और वो कहाँ खरीद रहे हैं, एसेट्स कहाँ खरीद रहे हैं, आइदर इन योर कंट्री और इन फॉरेन कंट्री। तो ये जो दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री में जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है एसेट्स का, और एसेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स हो गए आपके, आप कह लेंगे कहते हैं आपकी और कोई डिफरेंट, कोई बिल्डिंग्स हो गई, कोई कंस्ट्रक्शंस हो गई, कोई फैक्ट्रीज हो गई, ये सारे आपके एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स अगर आप बाहर जाके परचेज कर रहे हैं, यहाँ परचेज कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली हैव अफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ योर कंट्री और ऑन फॉरेन कंट्री, जिस भी टर्म में आप अपनी एक्सचेंज रेट को लेते हैं। तो लाजमी सी बात है कि ये एक आपको अफेक्ट करेगा, आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करेगा ये आपकी एसेट जो है ख़रीदने का जो पोर्टफोलियो है, या जो आपकी पोजीशनिंग है कि आप किस तरीके से किधर जो है किस मुल्क में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ पैसा लेके जा रहे हैं, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर एक्सचेंज रेट। तो वही चीज़ कहलाती है एसेट मार्केट अप्रोच। एसेट मार्केट अप्रोच ये है कि भाई किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को, एसेट्स को कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं। क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके कोई चीज़ खरीदेंगे तो डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट योर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी टू परचेज एन एसेट आउटसाइड योर कंट्री, और यू कैन से इन फॉरेन कंट्री। सो डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट योर, लेट्स से इफ लाइक वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रुपीज़। सो वी विल डेफिनेटली कन्वर्ट द रुपीज़ इनटू, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएसए देन वी विल कन्वर्ट अवर रुपीज़ इनटू डॉलर। सो आफ्टर व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इट मींस दैट वी आर सप्लाइंग रुपीज़ एंड वी आर डिमांडिंग फॉर द डॉलर्स। ओके, सो इट मींस दैट डॉलर डिमांड विल गेट इंक्रीज एंड rupee supply will get increased, which in turn when supply of rupees will get increased, it will decrease your exchange rate. And on the other hand, if the demand of the dollar get increased, it will increase the exchange rate of dollars. ठीक है, तो जब dollar appreciate होंगे तो लाजमी सी बात है आपकी currency क्या होगी, depreciate होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा डॉलर महंगा होता चला जाएगा आपकी करेंसी उतनी ही गिरती चली जाएगी, अगर हम डॉलर के टर्म्स में बात करें तो। और इसी का अपोजिट भी ले लेंगे, जितनी हमारी करेंसी गिरती जाएगी लाजमी सी बात है डॉलर हमारे लिए उतना ही महंगा होता जाएगा। तो यही बात यहाँ पर है जो एसेट मार्केट अप्रोच की बात करी, कि ये डिमांड और सप्लाई ऑफ एसेट बेसिकली एसेट मार्केट अप्रोच में आते हैं, कि कैसे आप जो है वो कहीं जाके जो है डिमांड कर रहे हैं, यानी अपनी डिमांड एंड सप्लाई यानी एसेट्स को किधर से किधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो एसेट की जो बात है वो एसेट मार्केट अप्रोच कहलाती है,
और यही एसेट्स की रिपोजिशनिंग इस कंट्री से दूसरी कंट्री में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहाँ वाले लोग यहाँ लाके कर रहे हैं, तो ये आपकी एसेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई बनाता है एक्सचेंज रेट की, और जिसकी वजह से आपके एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है जहाँ भी आपके मतलब बढ़ता है या कम होता है। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट को मैंने पहले भी बताया था। अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये कि कहते हैं कि लेट सपोज आप, अगर हम जल्दी जल्दी बताएं तो यूएसए के अंदर आप जाके इन्वेस्ट करेंगे, और यूएसए के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो लाजमी सी बात है आप जो है वहाँ के इंटरेस्ट रेट को देखेंगे और एक अपने इंटरेस्ट रेट को देखेंगे। अगर पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट करा और आपने 3% इंटरेस्ट रेट कमाया और यूएसए के अंदर आप 4% कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल मूव टूवर्ड्स यूएसए, और यूएसए के लिए क्या होगा, पाकिस्तानी रुपीज़ को आप कन्वर्ट कर देंगे और यूएसए को आप इंक्रीज कर देंगे, मतलब क्योंकि उसकी डॉलर की आप चीज़ें ले लेंगे। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अनकवर्ड में भी क्या होता है, कहते हैं कि आपको ये पता होता है कि लेट सपोज आपको अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक रिटर्न मिल जाएगा आपकी एक आपके एक पैसों को इन्वेस्ट करने के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट रेट मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर, और साथ ही साथ करेंसी का गेन भी मिलेगा जो कि करेंसी एप्रिसिएशन के टर्म में कहलाता है, जो कि एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट होता है। एक्सपेक्टेड क्यों होता है? क्योंकि दो किस्म के होते हैं, एक कवर्ड डिफरेंशियल होता है, एक अनकवर्ड होता है। तो कवर्ड में बेसिकली हम लोग जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए फॉरवर्ड रेट की बात आती है फ्यूचर के अंदर, कि जब आप 3 महीने बाद या साल बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी से किया हुआ होता है आज के दिन, तो आप जब 1 साल बाद आज से जाएंगे तो वहाँ पर आप उसी रेट के ऊपर जो आपने प्री एग्रीड है आज के दिन, तो वो आप जाके उसके हिसाब से अपने करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अनकवर्ड में ये होता है कि यू डोंट नो व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम व्हिच इज मेंशन्ड इन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ यू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेड होता है, और जब आप वहाँ पर जाते हैं उस वक्त जो भी एक्सचेंज रेट होता है, अगर तो आज से बढ़ गया वो एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो एक्सचेंज रेट की बात करी जा रही है यहाँ पर, वो डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, यानी अगर तो वो अप्रिशिएट हो रहा है, सही है, अगर हम वो ई होता है बेसिकली, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये ई क्या है, डोमेस्टिक ओवर फॉरेन, यानी मैं इस तरह कह सकता हूँ इसको कि 160 अपॉन डॉलर, यानी $1 160 का है। तो अगर ये चीज़ अप्रिशिएट हो रही है, यानी ये वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स आपकी करेंसी नहीं बढ़ रही, डोमेस्टिक करेंसी नहीं बढ़ रही, ये डॉलर बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी बढ़ रही है। जैसे अगर 170 हो जाए, इट मीन्स लाजमी सी बात है ना, अगर जैसे पहले 100 रुपये था, $1 100 रुपये का हो जाता था, आप 160 का हो गया, इट मीन्स हमारी करेंसी तो और गिर गई, डॉलर बढ़ गया। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो ई की, ये डेफिनेशन है कि डॉलर की, डॉलर जो है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी, अगर आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट फ्यूचर के अंदर बढ़ रहा है, इट मींस डॉलर जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है आने वाले वक्तों में, तो क्या करेंगे आप जो है वो इन्वेस्ट करेंगे डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी में, एसेट में, जो कि आपको यूएसए में मिलेगा, तो आप यूएस की तरफ जाएंगे बनिस्बत अपने डोमेस्टिक के पास रहने से। तो अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट तो यही होती है, कहते हैं सिंपल, जिसके अंदर आपको एक्सचेंज रेट का पता नहीं होता क्या क्या होगा, इसलिए वो अनकवर्ड होती है, आप एक तरीके से गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, बाहर के फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यू विल गेट टू थिंग्स, द बेसिक रिटर्न ऑन द बॉन्ड इटसेल्फ, इंटरेस्ट रेट स्लैश यील्ड, बिल्कुल प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट मिलता है सबसे पहली चीज़। तो ये आपने अपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करे फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एसेट में किसी बाहर, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस ऑन करेंसी एक्सचेंज लेस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या? एक्सपेक्टेड गेन और लॉस, क्यों? क्योंकि लाजमी होता है अगर आने वाले वक्त में, जो मैंने आपको भी बताया कि अगर 3 महीने बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जितने भी टाइम के इन्वेस्टमेंट का, 3 महीने बाद का एलर्ट सपोज, 3 महीने बाद अगर डॉलर जिस करेंसी में आपने इन्वेस्ट करा है फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी बढ़ गई, तो इट मीन्स ये ई बढ़ गया, और इस ई के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड गेन मिलेगा।
तो ये गेन भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी आपको दो किस्म के गेन मिलेंगे, एक तो रिटर्न हो गया इंटरेस्ट रेट और या प्रॉफिट, और दूसरा हो गया आपका करेंसी का गेन, करेंसी एक्सचेंज का गेन। एप्रिसिएशन कहलाती है उस वक्त जब आपका गेन हो जाए, और डेप्रिसिएशन उस वक्त कहलाएगी कि रेट, सपोज अगर आज मैं डॉलर और रुपये की बात करूँ, तो अगर आज 160 रुपये है, तो कल डॉलर जब 3 महीने बाद पहुंचा और पता चला नहीं जी 140 रुपये का हो गया डॉलर, तो इट मीन्स डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, तो आपको उल्टा लॉस होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं कवर्ड में, कवर्ड डिफरेंशियल में, जब हमने मेरी इससे सेकंड लास्ट वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो थी, तो उसमें आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा कि उसमें हमने किस तरीके से ये सब कुछ समझाया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ तो दो किस्म के गेंस आपको मिलते हैं, जिसको हम नॉर्मली यूं भी लिखते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको करेंसी एप्रिसिएशन। अब अगर ये माइनस में आ जाए तो इट मीन ये एप्रिसिएशन नहीं है, ये लॉस है, सही है, और प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी कह रहे हैं इसको, अगर मैं लिखूं तो इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये दो चीजें आपको मिलती हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं बाहर। और दूसरी जगह अगर आप डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं अपने एसेट को, यानी अपने ही मुल्क में, तो व्हाट यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट ऑन होम करेंसी बॉन्ड। सिर्फ एक चीज मिलती है, वो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको डोमेस्टिक में, मतलब डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिकली करते हैं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, अब यूजुअली जैसे कि लोग कहते हैं या केन्स कहते हैं, ये सब हर कोई, ये जो शुरू में हमने देखा, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होता है, और इनका मानना ये है कि ये दोनों ऑटोमेटिकली इवनली आखिर में जाके अल्टीमेटली इवेंचुअली जो है वो, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कमा रहे होते हैं प्रॉफिट इस तरीके से कि आपको ज़्यादा गेन मिल रहा है बाहर, तो आप ये जब करते रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आने लगती हैं, और ये इक्वल्स टू, मतलब दोनों बराबर हो जाती हैं, यानी ये एप्रिसिएशन और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट दोनों मिलके क्या अमाउंट बनती है, इतनी बनती है जो कि डोमेस्टिक की अमाउंट होती है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट की, और ऐसे पॉइंट के ऊपर फिर आपके लिए बराबर हो जाता है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें या यूएस अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या यूएस में इन्वेस्ट करें, लेट्स सपोज। अच्छा, अब इसी की जो डिटर्मिनेंट्स की बात मैं कर रहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई को चेंज करते हैं, वो ये होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट या फॉरेन इंटरेस्ट रेट, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डोमेस्टिक हो गया और ये सब कुछ हो गया, ये मैं इज इक्वल टू दोनों पे लगाया था, तो समझ लें ये फॉरेन करेंसी का गेन है, ये आपका अपनी सॉरी ये आपका डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का गेन है। लेट्स सपोज डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, यानी लेट्स सपोज ये दोनों को सम अप करके अगर मैं कहूँ कि ये 1% है, ये 3% है, और पहले ये भी 4% था, 4% कैसे, 3 और 1 4 हो गया, ये 4% था, बट नाउ इट विल इंक्रीज बाय 1% एंड विल बिकम 5%। अच्छा, अब 5% हो गया तो अब क्या होगा, क्योंकि अब 5% ये हो गया, तो आप इससे ज़्यादा आपको अच्छा ये लग रहा है कि आपको ये ज़्यादा गेन देगा बनिस्बत आपको बाहर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि आपको आपको दोनों चीज़ें मिला के 4% मिलेगा या 5% मिल रहा है, तो वॉट यू विल डू, आप सारी रिपोजिशनिंग क्या होगी आप लोगों के एसेट्स की, आप अपने पोर्टफोलियो को, जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो कि आपने अभी बाहर करा हुआ होगा या कहीं भी, आप वो सारा उठाकर लेकर आ जाएंगे होम। ये मैंने लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर तो इंक्रीज होगा तो वेयर यू विल इन्वेस्ट योर ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन होम, होम कंट्री यानी डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जब आप अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वॉट, और बाहर वाले भी आप ही कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होगा, तो क्या होगा, होगा ये कि लोग दूसरी करेंसीज भी कन्वर्ट करा के आपकी करेंसी के अंदर आ रहे होंगे, आपकी करेंसी को डिमांड कर रहे होंगे, तो जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा कि लोग फॉरेन करेंसी को छोड़ के, क्योंकि आप वाले भी अगर बाहर गए होंगे तो लाजमी सी बात है वो भी फॉरेन करेंसी को बेचेंगे और वापस जो है डोमेस्टिक करेंसी लेंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। और ये हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो ई है, ये इस ई की डेफिनेशन क्या है कि अगर फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, सही है, तो ये ई बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें क्या पता चला है कि जब हमने डिमांड अपनी करेंसी की बढ़ा दी तो हमारी करेंसी बढ़ेगी, इट मींस ये ई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी लेट्स सपोज अगर पहले 160 रुपए का डॉलर था, 160 रुपए का एक डॉलर था,
अब जब आपकी कंट्री ज्यादा अच्छी होने लग गई है, ज्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके रुपये को डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी और डॉलर उल्टा सस्ता होने लग जाएगा हमारे लिए, तो वो ई डिक्रीज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। इसका अपोजिट केस ले लें, मैंने आप लिखा भी कि होम करेंसी इंक्रीज होगी, यानी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो रिपोजिशनिंग में लोग आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आएंगे और डोमेस्टिक कंट्री में आने के बाद होम करेंसी यानी जो आपकी पाकिस्तानी रुपीज है वो इंक्रीज होगी। जबकि इसका अपोजिट का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लेट सपोज डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, लाजमी सी बात है कि अगर ये 4 से ये 5 के बजाय 3 हो गया तो अब ये ज्यादा बेटर ऑफ लगेगा, यहाँ पे लोग इस तरफ जाएंगे और इस तरफ जाएंगे तो फॉरेन करेंसी को डिमांड करेंगे, अपनी करेंसी को डोमेस्टिक को सप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो बढ़ने लग जाएगी और वो बढ़ेगी तो क्या होगा आपका ये जो ई है ये ई बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी की हो रही है तो बढ़ेगा, जिसकी वजह से होम करेंसी का क्या होगा वो डिक्रीज होगी। अच्छा, फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेट सपोज सबको छोड़ें ये सब ऐसे ही रहे, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है ये 4 हो गया, अब ये जब 4 हो गया तो ये टोटल 5 बन गया, ये 4 है, तो फिर लोग इस तरफ भागेंगे और इस तरफ भागेंगे तो वही जो अभी मैंने आपको बताया कि लोग जो है उस तरफ जाएंगे तो लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बेचेंगे हमारे वाले लोग, इसकी वजह से क्या होगा कि रिपोजिशनिंग कहाँ होगी फॉरेन कंट्री के अंदर, लोग फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो ये ई है वो इंक्रीज हो जाएगा और होम करेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि इसका अपोजिट साइन ये है कि कहते हैं कि अगर लेट सपोज फॉरेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, ये 3 पहले था और अब ये 2 हो गया, तो आप यहाँ पे बेहतर समझेंगे और लोग फॉरेन से होम में आएंगे, हमारे डोमेस्टिक करेंसी कंट्री के अंदर आएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे फॉरेन करेंसी की, डिमांड बढ़ाएंगे हमारी होम कंट्री करेंसी की, जिसकी वजह से ये ई इंक्रीज हो जाएगा, ई डिक्रीज हो जाएगा सॉरी, और होम करेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात तो थी रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट इसमें क्या काम करता है? देखिए, लेट सपोज आप आज जो है वो $1 ₹160 का था, आपको ये पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो $1 जो है वो ₹200 का हो जाएगा, तो ऐसी चीज में, क्योंकि EX आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि EX क्या है, कि अगर ये बढ़ेगा, इसके बढ़ने का मकसद ये है कि फॉरेन करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, और लाजमी यहाँ आपको नजर आ रहा है कि 160 से 200 हो जाएगा, ये वाली डेफिनेशन जब ली जाए तो 200 का मतलब है ये ₹200 अपॉन डॉलर, तो देखिए आपको नजर आ रहा है 160 से ज्यादा बढ़ी है, तो ई की वैल्यू बढ़ गई, यानी और ई कौन से एक्सपेक्टेड क्यों, फ्यूचर की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेड रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो लाजमी सी बात है आज अगर आपका कोई बंदा यहाँ से 160 रुपये लेकर जा रहा है और इन्वेस्ट करता है जाके US में, और एक कुछ साल बाद जब उसको वापस से कोई अमाउंट मिलती है, लेट सपोज कह रहे हैं, कहते हैं कि $1 कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को समझेंगे 0 है, तो जब अब वो उस वक्त कन्वर्ट कराएगा वापस से पाकिस्तानी रुपीस में, तो व्हाट ही विल गेट, क्योंकि जब $1 ₹200 का हो चुका होगा तो वो क्या, उसको क्या मिलेगा, ₹200 मिलेंगे, तो इट मीन्स कि उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आने वाले वक्त में, तो उसके नज़दीक क्या होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करता है बाहर तो इंटरेस्ट रेट तो जो मिला, साथ ही साथ उसको करेंसी अप्रिसिएशन भी मिलेगी, ये वाली बात, करेंसी अप्रिसिएशन भी उसको मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अब आप देख लें अब आप कि ये 3 हम ऐसे रखते हैं पुरानी एग्जांपल की तरह, ये 4 था, ये दोनों बराबर थे, लेट सपोज आप वो करेंसी अप्रिशिएट हो रही है 1% से, अब क्या हुआ, ये साइड बड़ी हो गई, सारा वही तरीकेकार होगा कि फ्यूचर एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाएगा तो बंदा जाएगा बाहर इन्वेस्ट करने, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई डोमेस्टिक करेंसी सप्लाई होगी, फॉरेन करेंसी डिमांड बढ़ेगी, इसकी वजह से ई बढ़ेगा और इसकी वजह से होम करेंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसका ये अपोजिट ले लें, अगर ये चीज़ डिक्रीज हो गई, यानी ये 160 के बजाय आने वाले वक्त में 140 हो गया, तो बंदा कहेगा कि वैसे ही इंटरेस्ट रेट तो जो मिला ही मिला पता चला, ये भी जो है वो और अगर गिर गया एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन चेंज भी हो सकती है लाजमी आता है, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं जी आने वाले वक्त में पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, जो कि डॉलर की कीमत को गिरा देगा, डॉलर यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन US के अंदर कुछ ख़राब होने नज़र आ रही है, तो आपको जैसे आजकल हो रहा है, जो जैसे रिसेंटली हुआ है हमारे अभी US के अंदर रिवॉर्ड्स जो ब्रोकन आउट है, तो उसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में डॉलर की कीमत गिरेगी और हमारा करेंसी थोड़ा ऊपर जाएगा, तो अगर उसको ये लगता है कि वो 140 हो जाएगा तो लाजमी सी बात है वो बाहर नहीं जाएगा, वो अपनी होम करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि पता चले मैंने जितना इंटरेस्ट रेट कमाया इस लॉस की वजह से मैं वापस नीचे ना जाऊँ, यानी लेट सपोज ये लॉस क्या कि ये 0.5% पे चला गया, ठीक है पहले 1% पे था इनिशियली जो हमारा एग्जाम्पल थी, और अब ये 4 से भी कम हो गया, तो लाजमी आते लोग होम पर आएंगे और होम पर आने की वजह से ई डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से होम करेंसी इंक्रीज हो जाएगी,
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ फॉर दिस क्लास. ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट रन था जो कि हमने भी पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन वर्जन देखेंगे इसका क्या होता है और फिर उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर और डिफरेंट क्या किस्म की चीज़ें आती हैं और वहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरीके से डिटर्मिनेंट होता है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी. इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ आई होगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बोलते हैं. थैंक यू.